टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इंडोनेशिया निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटने के बाद अब मलेशिया एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की खबर बाजार में जोरों पर चल रही है। ऐसी चर्चा है कि मलेशिया एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती करके 4-6% शुल्क लागू करने पर विचार कर रहा है। दरअसल 23 मई से इंडोनेशिया निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटेगा और फिर सौदे शुरू होंगे। इंडोनेशिया से माल भारतीय बाजारों में आने में समय लगता है। इसके अलावा अभी जो माल भारतीय बाजारों में मलेशिया से आ रहा है वह ऊंचे दामों का होने के कारण फिलहाल खाद्य तेलों में जैसी मंदी उम्मीद कर रहे थे वैसी मंदी तुरंत संभव नहीं है। हालांकि शुक्रवार को भी हाजिर बाजार में सोयाबीन तेल 5 रुपए टूटकर 1550 से 1555 रुपए और मूंगफली तेल 20 रुपए टूटकर 1600 से 1620 रुपए, पाम तेल इंदौर 1635 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। सूत्रों के अनुसार इंडोनेशिया 10 मिलियन टन तेल MDO के लिए निर्धारित कर सकता है। कपासिया खली के हाजिर बाजार में भी 25 रुपए की तेजी दर्ज की गई। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।